महासभा के राम राम। ये महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की धरती है। यहां आकर मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये धरती एक पवित्र धरती है। हमेशा यहां से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश भर में गया है। यही संदेश हमारे संविधान की नींव है। यही हमारे समाज, हमारी संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। ये संदेश यहां से आपने सदियों से, हजारों वर्षों से पूरे देश भर में भेजा है। लेकिन आज बहनों और भाइयों, क्या हालात हैं देश के? कैसी राजनीति चल रही है? प्रेम और सद्भावना की राजनीति है? नहीं, ये आपके लिए सरकारें चल रही हैं क्या? प्रदेश की और केंद्र की किसके लिए चल रही हैं? आप यहां सब नौजवान खड़े हो, रोजगार है? देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। यह सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बात करते हैं? मोदी जी के लब से आपने बेरोजगार शब्द सुना है? तो क्या समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बताएं कि बेरोजगारी क्या होती है? समय आ गया है। आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। महंगाई है। आज गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है आपको? आज आप दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो खाली हाथ वापस आते हैं कि नहीं? चारों तरफ से संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है, फिर भी आपने मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुना है, महंगाई। 3 महीनों से प्रचार कर रहे हैं, ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। सही है कि नहीं? यहां पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रहना भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी, अगिला अग्नि हा होए वे हे अवधू तो अपना होए वा पानी। ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने? कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देनी लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए।
वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी।